अरे आप तो उठिए सर, अरे आप सर सर इधर आ जाइए, अमित शाह जी बैठ जाइए। सर मास्क नितिन सर सर ये जो सीएनजी का ये जो ट्रैक्टर आज रेट्रोफिट है, ये यदि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में ये आ जाएगा तो दिस विल बी ए वेरी गुड चेंजर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एंड द इंडस्ट्री। पहली बार हमारे डिपार्टमेंट ने सीएनजी ट्रैक्टर के स्टैंडर्ड निश्चित किया, इसका सर्टिफिकेशन हुआ है। अब इसके बाद हिंदुस्तान का कोई भी मैन्युफैक्चरर उस स्टैंडर्ड का उपयोग करके ये ट्रैक्टर बना सकता है और मार्केट में अब आएगा। अभी तक स्टैंडर्ड ही नहीं थे मिनिस्ट्री के, जब तक स्टैंडर्ड निश्चित नहीं होते तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनता। तो हमने इसके सब स्टैंडर्ड पक्के किए, इसका टेस्टिंग किया और इट इज़ प्रूव टू बी क्वाइट बेटर और पैसा भी बच रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इसमें कोई ये नहीं है। सर आपने ये कहा कि 1.5 से 2 लाख रुपए बचेंगे, तो रफली ऑलमोस्ट 10,000 से 15,000 रुपए पर महीना बच सकता है। देखिए ऐसा है कि एक लीटर डीजल में 4 किलोमीटर चलता है और एक लीटर सीएनजी में 4 किलोमीटर चलता है। एक किलो सीएनजी का रेट है 42 रुपीज़ और एक लीटर डीजल का रेट है 74 रुपीज़। तो यही है। दूसरा क्या होता है कि डीजल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, इसके कारण पार्ट्स खराब होते हैं, मेंटेनेंस बढ़ता है, पोल्यूशन होता है। इसमें आप देखो धुआं है, नीचे जाके खड़े रहिए अभी चालू करके, कोई कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं आता, तो इसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। तो ये वैसे जो दिन भर में रोज 12-12 घंटे रोज चलाएगा, जैसे ये ईंटों के भट्टे के ऊपर वगैरह, तो उनका 3 लाख रुपए महीने की बचत होगी और जो किसान चलाते हैं खेती को ये करने के लिए, वो 1.5 लाख रुपए उनकी कम से कम बचत साल भर में होगी। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने ये डिसीजन लिया हाइड्रोजन से बैटरी, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके एनर्जी कन्वर्ट करना, दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर द इंडस्ट्री एज वेल एज इन द होल वर्ल्ड एज वेल। ये टेक्नोलॉजी हम इंटरनेशनली भी ले जा सकते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के तरफ से जैसे लिथियम आयन में विशेष रूप से चाइना ने काफ़ी आगे भूमिका ली, अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जापान में काफ़ी रिसर्च हो रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाते हम लिथियम आयन में तो काम कर ही रहे हैं, 81 इंडिया में उसका बन रहा है बैटरी। अब हम जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, स्टील आयन, एयर आयन, ऐसी अलग अलग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। 4 दिन पहले मेरे यहाँ काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई, सभी साइंटिस्ट हिंदुस्तान के आए थे इसरो से लेकर सभी, और हमने इस पर तैयारी करी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल में और नीति आयोग ने मुझे कहा है कि आप फिर से एक बार एक बड़ी मीटिंग बुलाइए और मैं कोशिश करूंगा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी हमारा फ्यूल बने। और हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल है वो पानी से हम उसका ये निकालें तो नेचुरली हमारी कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। अभी उस पर रिसर्च चल रहा है पर हम हिंदुस्तान इसमें लीड करें, ये हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की कोशिश है, बाकी भी विभाग इसमें काम कर रहे हैं। तो ये एक रिसर्च का काम है और मैंने जैसे कहा कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस वी नेम इट एज अ नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो ट्रांसपोर्ट में अभी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी जैसे रोपवे, केबल कार, फेनोकुलर रेलवे, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। इसमें भी आगे जब सरकार अपने स्टैंडर्ड्स पक्के करता है तो इंडस्ट्री वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। सर व्हेन ये हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल कब तक आप एज्यूम कर रहे हैं? आई एम नॉट श्योर अबाउट।
सर ये जो सीएनजी की वजह से जो फायदा होगा किसानों को उसके ये सीएनजी ट्रैक्टर की वजह से उसका कितना फायदा हो सकता है पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए? देखो आज आप सब जानते हैं कि पराली एक किसानों के लिए समस्या है, पराली जलाने से पर्यावरण की समस्या है, इन दोनों का समाधान इस प्रकार के कन्वर्जन में है। तो यदि उनके वेस्ट को कन्वर्ट करके उसका उपयोग अपने ही यंत्र को चलाने में हो जाएगा तो उनको अपने वेस्ट का पैसा भी मिलेगा और हमारे पॉल्यूशन को भी फायदा होगा। तो ये तो आम के आम और गुटले के दाम इस प्रकार की और दिशा बदलने वाला कदम हो सकता है। बहुत ही ये लैंडमार्क का आगे जाके कि अपने कृषि क्षेत्र में किसानी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा।
तरंग ऑनलाइन रेडियो ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। You are listening to Tarang Devotional Online Radio.